सारे के हम बहुत आ रहे हैं और मुबारक हो नई रिसर्च चाहिए पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट कंट्री है और पाकिस्तानी दुनिया के बेस्ट लोग हैं और ये और अब आपने सब्सक्राइब करने और लाइक करने और कमेंट करने और शेयर करने और पेटेंट बनने और इजी पैसा और जैज कैश और इंट्रो व्हाट हैव आई ट्यून्ड इनटू व्हाट वाज दैट इंट्रो ठीक है ओके okay, जी वेलकम बैक आई हैड नो आइडिया दिस वाज गोइंग टू हैपन आप लोग भी परेशान हुए होंगे कि आपने कौन सा चैनल खोल लिया आज क्या है इससे पहले कि आप आगे चलें मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ा दिन है ओह व्हाट्स अगेन हमजा नदीम की सालगिरह हैप्पी बर्थडे और हमजा नदीम जो हैं वो एक बहुत जज्बाती आदमी वाकई होंगे hmm. कि हालांकि वो मेरे से गाना गवा सकते थे उन्होंने कहा नहीं

दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर खुदा अगर दिल फ़ितरत शनास दे तुझको सकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसां सिफ़ाल हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर मैं शाख ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर मेरे समर से मए लाला फ़ाम पैदा कर मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर तो और इसके साथ ये यह, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई किन, एक और उनकी ख्वाहिश ये है जी? कि इसके बाद मैं स्ट्रगल और वर्किंग हार्ड के ऊपर एक जामे और मुफसल तकरीर भी एपिसोड दिस

के कोई काम कर रहे होते हैं, mm. तो फिर उसके अलावा जो दीगर परेशानियां हैं, वो कुछ देर के लिए आप भूल जाते वर्क करके डू no मतलब फिर वही बात है कि सक्सेस से उसका लेना देना नहीं है लेकिन वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज है कि वो शायद से बहुत बेहतर चीज है और बहुत बड़ी चीज है तो

प्लीज़ बात ये यही बात जब मैं कहूंगी ना कोई नहीं मानेगा कहेंगे नहीं है ही कुछ और ये तो कुछ और ही पी है अच्छे सुने अच्छा जी शारुख के केस का डिसीजन आया इक्विटल मिला ठीक है दे अ लॉड ऑफ रूहा ओवर द डिसीजन एंड लास्ट खबर तक मुझे जो पता चला था वो ये है कि गवर्नमेंट जो है पार्टी बनेगी एंड दे हैव चैलेंज द डिसीजन बिकॉज अली जिस किस्म के थ्रेड्स मैंने उसके पास पढ़े हैं जो लोग केस में इन्वॉल्व थे या क्लोजली फॉलो किया था या उनकी फैमिली के अंदर थे जो इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज डालते रहे थे इस बात मोस्ट हार्ड ब्रेकिंग स्टोरीज अराउंड दिस केस नॉट जस्ट द डेथ ऑफ दैट यंग बॉय बट लेकिन जो फैमिलीज जिस तरह से उस तकलीफ से गुजरी हैं और ये बात जो उनकी कही गई थी कि जी पैसे शैसे दे के रफा दफ़ा हो गया था दैट वॉज ऑल्सो अन ट्रू एज़ पर द थ्रेड ठीक है एक बंदे ने किया था वॉज इन्वॉल्व इन द केस और uh, जो उनके फादर हैं ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ लॉर्ड ऑफ एगिनी एंड एवरी थिंग एल्स मेरा ना सिंस आपका थोड़ा सा इसमें ज़रा ज़्यादा है बल्कि हर चीज़ में ज़्यादा होता है लेकिन मैं ये पूछूंगी कि ये जो हमारे जुडिशल सिस्टम है इसकी जुरिस्टिक्शन की कहीं लिमिट होती है कि बस अन्यवाज जो प्रोसिक्यूशन चल रही है और जो एक स्टैटिक रूल्स हैं बस वो फॉलो होने हैं नो वन कैन चैलेंज इट लाइक एक तो सबसे पहला मसला ये है कि ट्विटर के ऊपर इस किस्म के पैगाम मसूल हुए हैं कि तुम लोग अब नहीं बोल रहे ना मतलब कल ही हुआ है फैसला तो आपको पता है, एक दिन पहले शूट हमने किया होता रिकॉर्ड दूसरा दिन हाँ, जी, जी. तो वो आज ही करना था तो आज अब माफ कर, कर रहे हैं है, माफ कर दे और क्यों नहीं करेंगे मतलब हमारे बीच में कौन से फुफो का बेटा है जो के इन्वॉल्व है एग्जैक्टली exactly. अच्छा दूसरी चीज ये है कि इसमें जो है वो सिंध गवर्नमेंट को भी बड़ी गालियां पा रही हैं अच्छा वैसे तो फिर भी बात मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आप सिंध गवर्नमेंट को गालियां ना निकालें आप निकालें जितनी पहले निकाले, निकालते हैं उससे ज्यादा निकालें जी लेकिन सिंध गवर्नमेंट इसमें क्या करे मतलब ये जो एक आ रहा है कि जी वो फ्यूडल थे एक तो मेरा नहीं ख्याल जो तो ये फ्यूडल है मतलब वो अमीर जरूर है लेकिन हर अमीर तो फ्यूडल नहीं होता अच्छा दूसरी चीज ये कि है या नहीं है इन बोथ केसेस वो जी जरदारी है जो राव अनवर को बचा लेता है वो जी जरदारी है जो कि शाहरुख जतोई को बचा लेता है बस जरदारी से अपने ऊपर जो केस है ना उसके हुए हुए वो नहीं खत्म हो रहे बाकी सबके वो हाँ, खत्म कराई जा रहा है।, हाँ। तो है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ा है जी अच्छा चौथी बात ये है कि एक कानून है ये दियत और कसास जी जिसके तहत उसको छोड़ा गया है अच्छा ये तो अभी एक सेकेंडरी चीज़ है कि जो के माहौ ने अभी बताई है कि शायद उनको पैसे मिले भी नहीं या, हाँ जी। अच्छा फिर कोई बात है मिले हैं या नहीं मिले इन बोथ केसेस ये तो एक मजीद बारीकी जी, जी, बिल्कुल ये दियत और कसास वाला जो कानून है इसके ऊपर हम बहुत शेर हासिल गुफ्तु पहले भी इसी शो पे कर चुके हैं फिर कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जी ये क्योंकि इस्लामी कानून है इसलिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता अच्छा बात यह है कि वो जो इस्लामी कानून है वो वही वाली बात के जिस तरह के वो इमरान ख़ान साहब मिसालें देते हैं ना कि मदीना की रियासत तो मतलब हजरत उमर अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो अगर हुक्मरान हों तो फिर तो उसमें ये शायद इंशोर भी किया जा सकता है कि जब दियत और कसास वाला मामला हो रहा है तो उसमें किसी पार्टी पर कुछ दबाव नहीं है yeah. पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप कैसे इंश्योर कर सकते हो तो फिर वही बात यहाँ पर अगर तो मतलब करना कोई चाहे तो वो किया जा सकता है ना कि जी मतलब मसलन मतलब, मतलब, कि जी ये बसंत का जो त्यौहार है बसंत के त्यौहार में तो कोई बहुत ज्यादा कोई बुराई नहीं है hmm. लेकिन क्योंकि हम केमिकल को और तार को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे तो इसलिए हमने बंद कर दिए अच्छा फिर भी बात है हम जाहिर हम होते कौन है कोई ऐसा कानून जो कि अल्लाह ने मतलब दिया है मतलब अगर ये इस्लामी कानून है तो हम उस पर बात करने को कौन होते हैं लेकिन फिर भी बात कि क्या हम उसकी शराय पूरी करते हैं अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो मतलब मतलब अगर हरास करके अगली पार्टी को या थ्रेटन करके फिजिकली या वर्बली करके वो कर रहे हैं तो फिर तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू एसेंस तो नहीं है बिल्कुल और दूसरी एक और चीज भी होती है ये तो चलिए एक स्टोरी है ना कि जी पैसे दिए ही नहीं और डरा धमका के भगा दिया जी. अच्छा अगर पैसे दिए भी हैं सपोज हम बात कर रहे हैं हमें नहीं पता कितने दिए हैं अच्छा जब बैठे थे तो क्या नेगोशिएशन हुई थी उनके दूसरी पार्टी के पास कोई लिवरेज था उन्होंने कहा कि नहीं इससे कम में हम नहीं मानेंगे या वही वाली बात है और ये इस केस की बात नहीं कर रहे कोई भी जो इस तरह का केस होता है एक तरफ पैसे रख दो दूसरी तरफ बंदूक रख दो कि जी हाँ की चाहिए ठीक है oh, like... तो उस पर फिर आप बैठ के बात करोगे नहीं इतने नहीं इतने हाँ जी। तो इतने सारे मसाइल है इसके अंदर तो और ये कोई पहला अच्छा फिर भी बात है ये कोई पहला केस हुआ है अच्छा ये सारे केसेस सिंध में ही होते हैं ये कांजू का केस सिंध में हुआ था लाहौर में नहीं हुआ था उसमें क्या हुआ था यही हुआ था ना तो मसला वही है कि अच्छा फिर वही चीज़ मैं हरगिज हरगिज ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बाकी पार्टी से बेहतर है हरगिज नहीं लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो किसी पार्टी से खराब है तो वो भी मैं नहीं मान सकता उसकी वजह ये है कि हम तो हमेशा से एक बात ही ये करते हैं कि वो जो है ना कि फलाने बहुत बुरे हैं और फलाने अच्छे हैं वो जो हॉकी वाले बुरे हैं क्रिकेटर अच्छे हैं वो जो सियासतदान बुरे हैं वो फलाने वाले जो है वो...

कि यार हमारा टेक्सुक्स खत्म कर दिया जाए ठीक है उसकी वजह ये कि हमने तो इस्तेमाल ही नहीं करनी गवर्नमेंट की सड़क के ठीक है यहाँ पे मतलब अब मैं क्या कि आप तो खैर मैं जाहिर है जब से मैं बुजुर्ग हूं मैं तो इस किस्म की कोई हरकत ही नहीं करता जितना मैं मता हूँ आपको पता है आ, लेकिन जिस वक्त मैं मैंने धनक धनक किया ना मैंने उससे पहले घर वालों को एक चीज समझाने की कोशिश किया वो पता नहीं कितनी उनको समझ आई कितनी नहीं आई और मेरा ये था कि असल बुनियादी बात थे कि असल मुझे अपने पता है घर वालों से बहुत मोहब्बत है अच्छा ये फिर भी बात ये कोई वो नहीं है कि मैं बहुत अजीम इंसान या मेरे घर वाले बहुत तो उसकी समझ नहीं आती यार वो मेरी माँ है ना बहरहाल मतलब 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 so हाँ, मैं तो मुझे अपने से मुझे है। आपको अपने से मुझे घरों से मोहब्बत होगी और मुझे तो ये कि खुदा न खासा कभी किसी को कुछ हो जाता है ना तो मैं तो को लीगल बैटल नहीं करूंगा। मतलब हाँ, बात हाँ, love, मतलब बात है कि डिस्पाइट ऑल द लव किसी रात मुझे बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया खुदाना खास्ता, और मैंने खुद तो कि no हाँ, मतलब मैं भी किस्म का हो वो 50 साल चलाई जाए अच्छा आपको पता केस का फैसला कराना तो कैसे चाहे थाने का हो चाहे कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो कोई भी पार्टी दो तीन दफा बुलाने पे ना जाए hmm. फॉरन एक्स पार्टी हो जाएगा hmm. क्यों hmm. उनको लगता है एक पार्टी आई नहीं रही तो ये तंग हो नहीं बंद हो <laughs> नहीं। <laughs> तो <में> एक पार्टी <laughs> तंग ही नहीं हो रही <laughs> तो फिर वायदा yeah. और वो वो खान भी भी उन्होंने उन्होंने जो है वो थ्रेट किया था मैं इन वो भी कर दूंगी तो कर उसके अंदर ने ने कुछ दिए थे कि कि इस इस से पहुंचा One of the points was कि अगर आपको इर्दिद कोई बिगो गार्ड वाली गाड़ियां नजर आती है ना उधर उसके अंदर नहीं घुसना आप पीछे पीछे रहें अगेन यही सेम था कि अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ गया कोई जरूरत नहीं है अभी अल्लाह का बहुत खैर हमारे साथ भी बड़े हो चुके हुए ठीक है लेकिन आप बड़े से तो अच्छा मुनासिब चल रहा है जिंदगी लेकिन छोटे मोटे रोज होते मसन ये मैंने अभी, तुम्हें बाथरूम बनवा रहा हूं मैं ठीक है अच्छा मरा मास्टर टाइल उसे जाके में पैसे दे आया अब टाइल ही नहीं आ रही आप पागल थे। <laughs> वो तो कहते हैं आप घर पहुंच रही है अच्छा अब फोन पे फोन वो जी असल में हमारा तो जो सारा गोदाम है वो तो फैसला बात में है तो वो तो वहां से निकलेंगे तो वहां से आएंगी अच्छा आप सारा पुट के बैठे हुए चार दिन बाद आ गई है अच्छा चलो ठीक है अब वो आई है आधी टूटी हुई है वो जी वो तो फैसला फिर मैंने कहा डब्बे भी थोड़े हैं फिर मैं उधर गया उन्होंने कहा गेट पास चेक करवा लेते हैं गेट पास चेक कराया मिला ही नहीं अच्छा फिर कमोड़ जो वहां से आया वो खराब नया खराब अच्छा अब उनको कह कि ये ठीक कर दें फिर नए डब्बे भेज दें वो चार दिन फिर वो नहीं आया वो वो फ्राइडे को फैसलाबाद बंद होता है सैटरडे को हम बंद होते हैं संडे को कोई और बंद होता है अच्छा ये सारा कुछ चल रहा है फिर जी कमोड़ ठीक करा दें

कि आप बच के रहे यही कह सकता हूं कि ये ना आपके अजीब से वसवसे पैदा होने शुरू होते हैं कि यार अल्लाह खुदानाखास्ता मेरे खिलाफ है <laughs> मेरे बाथरूम के खिलाफ है कि मैं तुम्हारा बाथरूम नहीं करने हाँ, दूंगा बाकी बहरहाल ये इसमें एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है वो पॉजिटिव बात ये हो सकती है कि आप ये सोचे कि जे उनादा कारोबार चल रहा है तो इसका मतलब है कि रिस्क तो अल्लाह ने जब देना है तो आप चाहे अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाओ वो छत फाड़ के आ जाएगा <laughs> तो हाँ, हाँ। कि मैंने टूटी हुई ही टाइलें लगवा ली है जो फिनिश बिल्कुल नहीं आई कमोड खराब है मुझे दो दफा कहा नवे है मैं रिपेयर तू कर अच्छा

तो तो दो बिजनेस ये पैसे भी नहीं, नहीं मुझे वापस किए हाँ सब मसला क्या है अच्छा ये तो मसला तुम्हारे साथ है तो पैसे दे क्यों देते हो तो, तो, क्या करूं मैं अभी नहीं बनवाने गया हूं आज की तारीख में उसने कहा जी तो फ्रेम पसंद किया उसने कहा जी आपके शीशे लगवाए तो मैंने उसको पैसे दिए उसने वो एंगल कर दिया शीशे मसला फिर वही है मैं अभी मैं मुल्क के ना टॉप टेन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टॉप टेन परसेंट जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे मैं उनमें आता हूंगा मतलब देखो ना कि कम से कम कुछ चार फेडरल मिनिस्टर होंगे जिनको मेरा नाम पता होगा कुछ दो जज भी होंगे जिन्होंने मेरी कभी ना कभी ना वीडियो देखी होगी। आपको तो धोनी भी जानते हैं। मुझे धोनी भी जानते हैं अच्छा अब सीन क्या है कि मेरे साथ ये होता है इस मुल्क में तो फिर सोचो मेरे साथ क्या हो है <laughs> जिसको कोई नहीं जा मैं किसी का कुछ नहीं पुट सकता कोई कुछ भी कर ले हाँ हाँ

अल्लाह सबको अपने आमें, रखे आमें। आपको भी मुझे भी मुझे ज्यादा रखे मुझे भी कभी कह दिया करो गलती हाँ, से मैं करोगे क्या करोगे तुम तो? लेकिन खुदा न खासा जानी नुकसान भी हो जाता है भाई जी सबर आई विल यू माई स्टोरी डे लेकिन मेरे साथ भी कुछ इस तरह से ही हो चुका है कि बस सफर करके वो टाइम गुजारा बिकॉज आईट स्टूडेंट जिसकी जिस वजह से मैं घर की वजह से बहुत खुआार रही हूँ एंड फाइनली बिकॉट द हाउस बिकॉज हमें पता था कि हम ये परस्यू नहीं कर सकते वो ही ऐसी नहीं थी एंड we like लाइक <laughs>

रहे रहे थे, वो कह रहा था, इतनी में जूते की बात नहीं हो गई है फरमाइश आ गई है की वो मेरे बगैर करना ठीक <laughs> है अगर मैं कहीं चली गई ना तो यहाँ अपने जूते सेट करना मुझे mm -hmm. रिप्लेस करके और फिर दिखाना कि ये मेरे जूते एनी वी गाइज डू वॉच इट शेयर इट ऑन व्हाट्सएप एंड डू कॉमेंट एंड प्लीज़ ट्राई टू लव मी इफ़ यू कॉन्ट ट्राई करें हो जाएगी आपको मुझसे प्यार ओके okay जी बाय बाय